15 लाख का जुमला, विकास का जुमला, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, सब ये झूठे वादे हैं इनके, इससे इनकी कोई 24 में कोई बात बनने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री झूठ बोले, मुख्यमंत्री झूठ बोले, सब MLA MP झूठ बोले, कहाँ तक करेंगे? और रही 2024 के चुनाव की बात, तो हमारा तो जो गांव है ये समाजवादी का गांव है, समझे जी, हम तो यहाँ से BJP को वोट देंगे ही नहीं। सरकार कोई बुरी नहीं होती जब पब्लिक के हित के काम नहीं करें, नहीं तो बुरो बता रहे हैं ना। अटल जी की रही सरकार, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, काम कायदे के करे, अटल जी ने 2 किश्त कर्जा में दई, अटल जी ने। नमस्कार, मैं हूं सुदीप सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा के बहलोलपुर गांव में और हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव में जनता किधर जाएगी। पक्ष जो लगातार कहता है, BJP सरकार जो लगातार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, उन विकास के मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे पास में, हमारे बीच में कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। भैया, 2024 लोकसभा चुनाव आप किस तरीके से देखते हैं? पहले तो भाई आपका हमारे विलेज बहलोलपुर में बहुत बहुत धन्यवाद, न्यूज वर्ल्ड इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये हम बोलना चाहते हैं जी, पहले देखो 2024 के लिए जो भी सरकार ने झूठे वादे पूरे भारत में करे हैं उनके लिए ना माफ़ी मांगनी चाहिए। 15 लाख का जुमला, विकास का जुमला, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, सब ये झूठे वादे हैं इनके, इससे इनकी कोई 24 में कोई बात बनने वाली नहीं है। सरकार तो लगातार कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को मौका दे रहे हैं। देखो सरकार और क्या कहेगी, सरकार के पास है क्या? सरकार तो यही अपना वो दिखाएगी, सब बना बना के जुमला पार्टी है, तो सीधी सीधी बात है। अच्छा, प्रदेश में योगी सरकार लगातार कहती है कि विकास की गंगा बह रही है, कानून व्यवस्था पहले से अच्छी हो गई है, UP को हमने दंगा मुक्त किया, तो आपको कुछ लगता है ऐसा कि सरकार जो कहती है वो करती भी है, या सरकार ने जो कहा उसमें दम है? जब योगी सरकार की कैबिनेट में कम से कम 33 अपराधी हैं, उन पे भी वो कार्रवाई करे तो मान लेंगे। एक तरफा कार्रवाई क्यों करते हैं, दोनों तरफ देख के चलो ना, दोनों तरफ देखो। अच्छा, सरकार लगातार जो ये अपने वादे गिनाती है, इतना ऐतिहासिक बजट भी पेश हुआ, तो ये धरातल पे आप लोगों को दिखता है, या आपके गांव में जो आपके गांव के आपके मुद्दे हैं, जैसे बिजली हुआ, सड़क हुआ, किसानों को पानी हुआ, युवाओं को रोजगार हुआ, तो आपको इनका कुछ लाभ मिलता है? देखो हमें तो कुछ नहीं दिखता, जो था आज भी वही है। आप गांव में भी जाओ, रास्ते देखो, बिजली के तार देखो, वहाँ चले जाओ, बना लो वीडियो जाकर, सब टूटे लटके हुए हैं, कोई भी हादसा हो सकता है, आप देख सकते हो। देखो जो पार्टी है वो तो अपना विज्ञापन से उससे देती ही करती है, सब अपना अपना वादे सब बताते हैं अपने उसके लिए, हक के लिए। इस गांव की समस्याएं क्या क्या हैं? गांव की समस्या देखो, हमारी सारी ज़मीन इस नोएडा में 250 बीघे LMC जा चुकी है, हमारे गांव के लिए ना कोई स्कूल है, ना कोई पार्क है, ना इन्होंने पहले दिया, हम पहले के लिए कहते हैं, ना अभी सरकार को झूठे वादे करती है और कोई नहीं इसमें कार्रवाई करता। हम रोज़ जाते हैं अथॉरिटी, बात चलती है, उसके लिए स्पोर्ट का कोई स्टेडियम या कोई कॉलेज या कुछ कुछ भी नहीं है। अथॉरिटी वाले क्या कहते हैं? अथॉरिटी वाले बस बहका देते हैं कि फाइल चल रही है, हमने फाइल गिर रखी है, ये है वो है बस। कितना समय हो गया आपको? काफ़ी दिन हो गए, हम तो जाते रहते हैं जी, सुनवाई नहीं होती, आप अथॉरिटी के पास जाते हो, केवल बहानेबाजी करते हैं। तो चाचा किस तरीके से देखते हैं, जितना आरोप लगाए भैया ने कि सरकार कोई विकास कार्य नहीं दिख रहा है, गांव में कोई स्कूल नहीं है, कोई स्पोर्ट नहीं है, बिजली के तार लटक रहे हैं, जबकि सरकार लगातार कहती है कि गांव में लगभग 18 से 20 घंटे लाइट पहुंच रही है। ये जो अभी भाई मुकेश ने बताया ना, ये बिल्कुल 100% सही है। गांव में जाके जो है ना, अंदर एक बार आप सर्वे करो तो कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है, बिल्कुल दरवाजों से सटे हुए तार हैं, समझे। और रही रोज़गार की बात, ये बिल्कुल निराधार है, ना साले कोई रोज़गार दे रहे हैं, ना ही कोई विकास कर रहे हैं। विकास इतना हो रहा है, 400 रुपये का सिलेंडर था कांग्रेस सरकार में, जब स्मृति ईरानी जो है ना सड़क पे चूड़ियाँ पहन खड़ी होती थी, आज 1050 का 1100 का सिलेंडर मिल रहा है। ये मोदी का विकास है, योगी का विकास है, समझी। और रही बात यूँ, हमारे किसानों की ज़मीन चली गई थी 97 से लेकर आज तक हमारे जो किसानों के मुआवजे हैं या जो हमारा हक है, हमारा अपना हक, हम किसी का मांग नहीं रहे हैं,
आज तक इस अथॉरिटी ने नहीं पेमेंट करा। और मोदी योगी सरकार में ये जो रितु महेश्वरी आई है, ये बिल्कुल हिटलर शाही का काम करे। चार चार महीना भूखे प्यासे धूप में बारिश में हमारे साथ हमारी जन ये अपना मातृशक्ति भी चार चार छः छः महीने हम धरना दे के आए हैं। कोई भी आज तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, बोर्ड बैठक में पास कर रहे हैं, बोर्ड बैठक में पास हो गया, सब नथिंग है, कुछ भी नहीं है। अगर ये कहते हैं कि बोर्ड बैठक में पास हुआ, या आप कह रहे हैं कि 97 से लेके अभी तक जो आपके मुआवजे उसके पैसे नहीं मिले, तो आप सरकार के पास गए या जो उनके आला अधिकारी उनके पास गए? या क्योंकि देखिए सर, 97 से लेके 2023 है, लगभग 26 साल हो गए और आपको आपका हक नहीं मिला, तो आप इस 26 साल में आपने क्या कुछ किया? हमारे साथ ये कमिटमेंट हुआ था, हमारी 10% ज़मीन जो ना इन्होंने अपने पास रख ली थी, उसमें डेवलपमेंट के लिए, और 5% का आपको प्लॉट देंगे, समझी ना। वो 5% का प्लॉट दिया है, ना बढ़ा हुआ 64% का बोनस दिया है इन्होंने। चार भाइयों में कुछ जगह दे दिया है, 10-5% को दे दिया है, बाकी अभी ऐसे ही वो लटके हुए हैं, समझे, कुछ भी नहीं है। और रही ये विकास की, तो ये झूठ बोलने वाली सरकार है, झूठ तो बोलती है रात दिन। प्रधानमंत्री झूठ बोले, मुख्यमंत्री झूठ बोले, सब MLA MP झूठ बोले, कहाँ तक करेंगे। और रही 2024 के चुनाव की बात, तो हमारा तो जो गांव है ये समाजवादी का गांव है, समझे जी। हम तो यहाँ से BJP को वोट देंगे ही नहीं, समझे जी। किसको वोट करेंगे 24 में आप? हम तो समाजवादी को वोट करते हैं, समाजवादी को वोट करेंगे। कि बुलडोजर नीति से आप कितना सहमत हैं? उसके बाद अगर आप देखें तो सरकार लगातार कहती है, मैं बताता हूँ भाई आपको, आप दोनों भाई हैं, ठीक है, आपने क्राइम किया है तो दंड आपको ही तो मिलेगा। उस भाई का क्या दोष है? वो किसके घर में रहेगा जाकर बताओ, उसका दोष का? जब कानून है हमारे देश में, कानून का पालन करो, उसे पकड़ो, FIR करो, जो भी सजा उसके उसमें बनती हो उसे दो, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन दूसरे का हक क्यों हो, उसके घर है, दूसरे घर क्यों ढा रहे हो? तो ये बुलडोजर नीति हमें अच्छी नहीं लगती, तो स्पष्ट बताते हैं। बुलडोजर चलना चाहिए, अगर कोई अकेला है, क्राइम कर रहा है, उसने किया है तो उस पर चलाओ, उसके भाई पर क्यों चला रहे हो? उसका क्या दोष है उसमें बताओ? आप भी जानते हो इस बात को तो। अच्छा, PM मोदी लगातार कहते रहते अपने हर भाषण में, अपने हर संबोधन में, कि हमने लगभग 2 करोड़ शौचालय फ्री में बांट दिए, कोरोना काल में फ्री वैक्सीन दी, कोरोना काल में किसानों के खाते में पैसे हमने ट्रांसफ़र करवाए, कोरोना काल में फ्री वैक्सीनेशन मिला, तो आपको इन सब सरकारी योजनाओं से कितना लाभ मिला? मेरी बात सुनो, अगर वैक्सीन फ्री दी या ना दी, देखो ये सरकार का हक होता, ये ही नहीं है कि आज ही कोई वैक्सीन बनी है इस देश के अंदर। पहले भी सरकारें थीं, पहले भी बहुत बीमारी थी, पहले भी दवाई बनी है, लेकिन उन्होंने तो गुनगान नहीं किया। अगर तुमने वैक्सीन दे भी दी तो कोई एहसान थोड़ी करा जनता पे, तुम्हारा हक बनता जो जनता को दिया है, तो इसमें गुनगान करने क्या बात है बताओ। सरकार तो ये भी कहती है कि हमने सबसे ज़्यादा गन्ना किसानों को उनका भुगतान किया, गन्ना किसानों को भुगतान किया, किसानों को फ्री में लाइट दे रहे हैं। इनके ये मुद्दे भी थे 2017 चुनाव में, ये कहे भी थे कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, तो क्या आप लोगों को इसका लाभ मिला? मैं बताऊं भाई आपको, दिखाने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये आपको भी मालूम है, आई समझ। देखो, इन्होंने कहा कि हम किसान के खाते में 6,000 रुपये सालाना दे रहे हैं, समझ रहे हो आप? 6,000 रुपये कितने होते हैं? कुछ नहीं होता। एक डाई का कट्टा जो 50 किलो का आता था, वो उसने काट के 45 किलो कर दिया, और 1,000 रुपये का रेट 1,400 रुपये कर दिया, तो बताओ किसान को क्या लाभ हुआ? आप बताओ, आप भी सब जानते हो, लेकिन वो कहना नहीं चाहते हम आपके लिए सब। जब आपको जो कहना हो, जैसा कहना हो, आप खुल के अपनी बातें कर सकते हैं। हम किसी सरकार के लिए या किसी पार्टी विशेष लिए हम आपके बीच में नहीं आए, हम आपकी जन समस्याओं को लोगों के पास पहुंचाने के लिए, सबके सामने उजागर करने के लिए, सरकार तक आपकी बात को पहुंचाने के लिए आए हैं। यस, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। और मीडिया एक हकीकत में चौथा स्तंभ उसको नाम दिया गया, अगर मीडिया भी सरकार में रिल जाएगा, किसी की सरकार हो, तो समझो नाश जाना। भैया, मेरे चैनल का जो टैग है ना, वो उसका टैग है ना पक्ष ना विपक्ष, केवल निष्पक्ष। हम निष्पक्षता से लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। अभी आपने यहाँ के DM महेश्वरी की बात की, परसों ये भी स्टोरी मेरे यहाँ चली, उनके खिलाफ ये जो यहाँ पे रेड़ी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, उनके ठेले को पलट कर, ठेले को तोड़ कर, तो ये सारे खबरें हम लोगों ने चलाई हैं। तो आप साफ तौर से आप ये जान लीजिए, आपकी जितनी बातें होंगी वो लोगों के पास जाएंगी, लोगों के बीच में जाएंगी, आपकी बातों को सुना जाएगा,
आप जो भी आपके पास हो आप एकदम खुल के गई है। देखो जो गरीब आदमी अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं, अगर तुम इतने ही खरे बनते हो, रितु महेश्वरी इतनी खरी है, तो इनको लगने ही मध्य पूर्ण बेटे के अंदर 4 दिन बाद क्या हो जाता है, 4 दिन आपने रेहड़ी पटरी पलट के और 4 दिन बाद फिर लग रही हैं, उसका बताओ क्यों लग रही हैं, क्या चक्कर है, कौन है इसके पीछे? आप देखो ना इस बात को कि जब एक चीज़ ना जाए जाए तो वो दोबारा वहाँ क्यों खड़ी कर गई, फिर जब ना जाए तो ना जाए जाए फिर क्यों लगवाई जाती है, ये देखो ना आप। हमारे बीच में चाचा हैं, हम चाचा से बात करेंगे। चाचा, सरकार की नीतियों से कितना प्रभावित हैं आप, या जो सरकार कहती है कि गन्ना किसानों को हम भुगतान करते हैं? नाया सुकत है भी प्रसन्न, हम नाया सुकत ही प्रसन्न भैया। क्यों नहीं प्रसन्न है? यासु कहा प्रसन्न है बता, काई काई हुआ गरीब आदमी कुछ देर हो यू, सबके हिले और बंद कर दिए इनने, सब ले जितने में झूठे वादे हैं सारे, महंगाई इतनी होगी जो सिलेंडर 400 को वो अब हुआ को 1100 रुपया को होगा, कहा आयु गरीब आदमी को सरकार? सरकार तो कहती है लगातार गरीबों को हम फ्री में राशन दे रहे हैं, राशन मिलता है आपको? किसे मिले राशन, अगर हमारे गांव में कोई एक दानों भी ले तो देते हो ये राशन, किसी भी एक दानों राशन नहीं देते। हम बात करते हैं चाचा से। चाचा 24 चुनाव कैसा देखते हैं आप? 24 लोकसभा चुनाव पास आ गया है, आप जो सुनिए, और सरकार हम भी बूढ़े हो गए, जब देश आज़ाद हुए जब सुए हम भी जानी भैया, ये जो RS वाले लोग हैं उसमें उस समय अंग्रेजन की ओर हो गए, ये लोग जो आज सरकार चला रहे हैं ये लोग अंग्रेजन की ओर हो गए, और देश सब जितनी जात संबरी कटी देश आज़ाद कराया कांग्रेस। ये तो सही बात है कि किसी एक समुदाय का, किसी एक व्यक्ति विशेष का देश को आज़ाद कराने में किसी का हाथ नहीं था, हर समुदाय के लोग मिल के देश को आज़ाद करवाए हैं जी, देश को आज़ाद किया, अब आज़ाद के बाद ये घोड़न के पीछे खड़े हैं, आप यात्रा करने गए हो तो ऐसा लट लिए मेरी तरह, अंग्रेजन के घोड़न के पीछे खड़े हैं RS वाले, ठीक, और सरकार कोई बुरी नहीं होती जब पब्लिक के हित के काम नहीं करें, यूँ तो बुरो बता रहे हैं ना, अटल जी की रही सरकार, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, काम कायदे के करे, अटल जी ने 2 किश्त कर्जा में दई अटल जी ने, हैं, और यू सरकार काम कर रही है। नौकरी तो आज एक लौंडे से मैंने बात करी थी, हमारे मिलने वाला मेरठ रमन की एक लौंडा लगवा दे भैया, नुक चाचा लौंडा की बात कर रहा हूँ, जब से मोदी की सरकार आई है 600 जगह खाली हैं, जो चरण सिंह चौधरी की यूनिवर्सिटी बोले हैं जिसे जिसमें काफ़ी जाति जहाँ 600 जगह खाली हैं, मास्टर ने काम बता दिए, और एक ना लगाओ 9 साल में 10 साल में एक भी लगो, पढ़े लिखे बालक धक्का खाते डोल रहे रोड पे, ये सरकार है सर हमारे, उनने कई नेताजी ने, नेताजी कौन मुलायम सिंह ने, दिल्ली से हम सभा में बैठे थे, उनने ये बात कही बस सुनो पंचो लाखों आदमी है न्यू कही उनने, सुनो सरकार है 2 BJP और कांग्रेस है, 5 साल सरकार बदलो, बरतो जो पब्लिक के हित के काम करे उसे वोट दो, हमारी कोई सरकार नहीं है 2 आ जाए तो ठीक और 100 आ जाए तो ठीक, हमारी सरकार राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, है? तो ये पब्लिक पागल हो चुकी है, उधार खा रही है राशन में, पूरे गांव में ढंडोरो बूझ लो जोकसु, जो किसी है 1 किलो भी राशन मिलता हो, कलोनी वाले खा भी रहे और बेच भी रहे, कमान हिल दे और बंद कर दिया राशन दे दे कर, फ्री को दे रहे, फ्री को ना दे रहे, वो हमारी तेरी कटौती, तू भी का गांव को ना हमारे भैया ना, बिल्कुल हम गांव से बिलोंग करते हैं, मेरे पिताजी खुद ही किसान हैं, तो जो अब आप ये जान लीजिए मैं उस घर से बिलोंग करता हूँ कि जब मेरे यहाँ धान की फसल काटी जाती है तो हमको पैसा आता है, जब गेहूं की फसल काटी जाती है तो मेरे लिए कपड़े बनते हैं, तो मैं किसानों की समस्या को समझ सकता हूं, आप अपनी आवाज़ को बताइए तो सरकार को बताइए तो आपके पास क्या परेशानी है? हाँ यही परेशानी है बस, पढ़े लिखे बालक धक्का खा रहे हैं, नौकरी किसी की आज तक नहीं लगी है, तो सरकार तो लगातार कहती है कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, बेरोजगार दे रहे हैं, झूठे जुमले हैं सब झूठे, योगी तो कहते हैं कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिए, 5 लाख युवाओं को हमने नौकरी दे दी, मोदी ने तो यूँ कह दी, मोदी ने तो यूँ कह दी ब्रेड बेको ब्रेड, आपने भी सुना होगा, आपका दुनिया में ना रहते, ब्रेड बेको पढ़े लिखे तेने घर फूंक कर जमीन फूंक कर पढ़ाई लिखाई करी न्यू करो, अरे गाली जा रही है जान दे फांसी देगा ज़्यादा से ज़्यादा, हम मुँह पे कहते हैं
आप इतना सरकार के खिलाफ क्यों हैं? सरकार इतना सरकार भड़के इतना क्यों हैं? पब्लिक के हित की बात नहीं करी सरकार ने, पब्लिक के देखो अटल जी ने करी पब्लिक के हित की बात, उसे भला बताएंगे हम। कल्याण सिंह ने भली बात करी पब्लिक के लिए, भला बताएंगे हमें सरकार से थोड़ी लेने देना। तो मोदी भी कहते हैं किसानों के भले की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। झूठे झूठे मोदी झूठे हैं, 100 के 100 झूठ। मोदी कहते हैं कि पहले जितने आतंकवादी थे सबको हमने परस कर दिया, आप देश पे आतंकी हमले नहीं होते। आप सुनिए जब तक हमर आप रहेंगे ये आतंक, जब जनता बढ़ेगी तो जनता के साथ साथ क्लेम भी बढ़ेंगे, चोरी जारी सब बढ़ेंगी। अब इसमें कितने हम देहात में रहे हैं, यहाँ हमें सब मालूम है कितने अत्याचार हुए हैं इस सरकार में। इतने किसी लड़की गैल बलात्कार हुए और फिर सिपाही ने फूंक दी। चाचा ये बताइए आप मोदी को जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? भाई हम तो यूँ कहें, मैं तो पूरे देश को कह रहा हूँ या देश की बुद्धि खराब होगी जो मोदी वोट दे, देनी नहीं चाहिए पूरे। अब आप मोदी को वोट नहीं देंगे? हम तो आज तक भी ना दी, कांग्रेस देंगे नहीं सपा देंगे। अटल जी को आप वोट दिए थे? हाँ दिए थे। फिर मोदी क्यों नहीं दे रहे हैं आप अगर अटल जी को दिए थे? मोदी ने अपराध किए हैं जनता के गैल में। क्या अपराध किया उन्होंने? झूठा किया सब, बहुत सब झूठे किए, रुपया खींचो। आपकी नज़र में अटल जी कल्याण जी महान थे, अच्छे काम उन्होंने किए, लेकिन मोदी क्या करते हैं? मोदी झूठ बोलने काम करते हैं। मोदी झूठ बोलने काम करते हैं और क्या करते हैं मोदी? पब्लिक को कोई हक हिसाब नहीं है, पब्लिक का हिसाब नहीं रखते, पब्लिक से झूठे वादे करते हैं। चाचा क्या कहेंगे आप इनके कानून व्यवस्था को लेकर और इनकी जो सरकार है उस पर आप क्या कहेंगे? जी चाचा अभी आप कुछ बोल रहे थे कि आप ये तो कहते हैं कि हमने देश से पहले देश में इतने हमले होते थे, हमने आतंकी गतिविधियों को रोका, आतंक उतना नहीं फैलता देश में, हमले नहीं होते देश में। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमसे ज़्यादा आपको जानकारी होगी। ये तो इनके तो राज में जो आतंकवादी कहाँ खत्म हो गए, तो खालिस्तान और पनप गया, वो अमृतपाल भागा डोल रहा है। अच्छा इस पे इसी मुद्दे पे आज भी अमृतपाल भाग रहा, आज सुबह में खबर चल रही थी, लेकिन बीजेपी वाले कहते वहाँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार, उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले लगातार आरोप लगाते हैं केजरीवाल जो है खालिस्तान बनाना चाहते हैं। जो आदमी बढ़िया काम कर रहा है, केजरीवाल इतना बढ़िया काम कर रहा है, जनहित में काम कर रहा है, जो आम पब्लिक है उसके लिए बिजली फ्री है, समझे जी, बसों में लेडीजों के लिए जो कुछ परसेंटेज की छूट है, तो वो इनके नज़र में जो है बुरा है। इनके उसमें कार्यकाल में जितने रेप हुए हैं सबूत तक मिटाए हैं इनका, वो देखा अजय टैनी, अतीक को तो 4 दिन में फांसी हो गई, अजय टैनी पर आज तक फैसला नहीं आया, कितने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई उसने, क्यों इनका वो MP है वो। अच्छा PM मौजूद लगातार ये भी कह रहे हैं कि जितने भ्रष्टाचारी थे सबको हमने जेल भिजवा दिया और जितने भ्रष्टाचारी हैं सब एक हो गए हैं, वो लोग CBI के खिलाफ कार्रवाई करें तो वो सरकार को घेरते हैं, CBI के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, कोर्ट के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। PM मोदी जी ये कहते हैं भ्रष्टाचार करो लेकिन मेरी सरकार में आके करो, बाहर मत करो। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार करो लेकिन BJP में आके करो, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी जो नया अदाणी अपनी गोदी में बैठा रखा है और सारा देश चिल्ला रहा है अदाणी की जांच कराओ, क्यों चुप बैठा आयु, क्यों नहीं कराता उसकी जांच, इनसे बड़ा तो भ्रष्टाचार कोई है ही नहीं। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब BJP में, कोई भी पार्टी का भ्रष्टाचारी वो पार्टी छोड़ के जो है ना BJP में आ जाओ, गंगा का धुला हो जाएगा। हाँ चाचा क्या कह रहे थे आप? नरेंद्र मोदी लेके भाग गो क्या 20 करोड़ रुपया हुआ, नीरज मोदी कौन आज तक ना पकड़ोगे। अच्छा जो आप बात कर रहे हैं ये बात राहुल गांधी ने भी कही थी कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी लोग घोटाले किए हैं सबके पीछे मोदी लगा है, उनके ऊपर केस हो गया, सरकार ने आपके भी ऊपर केस कर दिया तो? जी कर देंगे, मरने बैठे गोली मरवा दो, हम ना डर रहे और ना डरे जिंदगी में, ना डरे जो कल पुलिस से भेज के अभी फांसी लगवा दो, हम ना डरें, मरने बैठे आज भी कल भी। अच्छा PM मोदी जो कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म किया, तो आप इससे कितना प्रभावित हैं या उनकी बातों में आपकी कितनी सच्चाई दिखती है? उनकी बात में ना कतई विदम झूठ बोलने के सिवा, कतई विदम ना झूठ, पब्लिक पागल है जो बहक जा झूठन में, हम बहकने वाले में से भी ना, हम ना बहकें। चाचा कितना नाराज है, कितने गुस्से में है, और हम बात करते कुछ और लोगों से,
कि भैया 24 में आप किस तरीके सरकार देखना चाहते हैं, कुछ बदलाव लेके आएंगे कि जो सरकार चल रही निरंतर से तीसरी बार भी इसी साथ आप जाना चाहेंगे? बदलाव की तो ज़रूरत है पूरी जनता को, पूरे देश को, कि बदलाव आना चाहिए, क्योंकि दो दशक से जनता जो है त्राह त्राह कर रही है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है, लोगों से महंगाई के रूप में पैसा वसूला जा रहा है और उनको 5 किलो अनाज और 500 रुपये दे करके बराबर कर दिया जाता है। महंगाई बहुत ही चरम सीमा पर है और इस सरकार ने जब 14 में आई थी सरकार मोदी जी की, तब उन्होंने वादा किया था कि हम 3 करोड़ नौकरियां देंगे। मेरे हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 14 करोड़ नौकरियां इन्होंने ले ली देने की वजह पर, देने की जगह इन्होंने 14 करोड़ नौकरियां ले ली हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस सरकार को आना चाहिए, वैसे पूरी ताकत लगाना चाहिए कि ये सरकार ना आए। किसकी सरकार आनी चाहिए, किसकी सरकार में आप अपने आप को सहज महसूस करेंगे, किसकी सरकार में आपको लगता कि नौकरियां मिलेंगी, किसकी सरकार में युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसकी सरकार में महंगाई कम होगी? कांग्रेस की सरकार ने पहले भी दिया है ये तो मोदी तो बीजेपी तो लगातार कहते हैं कि 70 साल तक इन्होंने देश को लूटा और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने लोगों को रोजगार दिया। कांग्रेस ने उस समय से उठाया है देश को जब बिल्कुल भुखमरी के कगार पर था, जब अंग्रेजों ने लूट लिया था हमारे देश को, तो भुखमरी के कगार पर था, उससे उठा करके यहाँ तक ला दिया। तब ये आगे आ करके जब पटरी पर गाड़ी चढ़ जाती है तो हर एक कोई धक्का मार देता है, खेत में से निकाल करके गाड़ी बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, रोजगार कुछ नहीं दिया है। इससे उम्मीद है कांग्रेस से कि जब भी कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ़ किया तो मैं ब्याज के माफ़ किया गया था, और अब इस सरकार में जिसने 1 लाख कर्जा ले लिया उसका 2.5 लाख या 3 लाख कर्जा मैं ब्याज के हो गया, तो उनसे पहले ब्याज जमा करवा लिया गया वो 2 या 1.5 लाख रुपए, उसके बाद भी कर्ज किसी का माफ़ हुआ किसी का नहीं हुआ उनको भी देना पड़ा। और जब भी कांग्रेस वादा करती है तो वो झूठा वादा नहीं करती, उसने मैं ब्याज की माफ़ किया था हमेशा। हमारे बीच में कुछ और लोग, हम बात करते हैं। हाँ चाचा, चाचा चाचा बहुत गुस्से में, चाचा बहुत कुछ कहना चाहते हैं। चाचा जो सुई तलक की ना छोड़ गए अंग्रेज, यहाँ कांग्रेस ने तो जान की कुर्बानी दी है जुआन है। चाचा देखिए आपकी उम्र भी हमको लग रहा है लगभग 80 साल करीब होगी, तो कांग्रेस को आप बहुत करीबी जानते होंगे। कांग्रेस ने देश में क्या कुछ किया और मोदी जो कुछ कर नहीं पाए उसमें, क्योंकि देखिए लगातार बीजेपी सरकार यही कहती है कांग्रेस जब तक इस सरकार में 70 साल तक इन्होंने केवल देश को लूटा। आप मान लीजिए लूटा, चलो देश खुशहाल तो रहो, देश है परेशानी तो ना आई, लूट लिए चलो मान ली, हम मान रहे हैं जितना इन्नो कमाया इतना तो उन्नो मंडे में जमा गांधी जी ने दान कर दियो पुराने राज। अखिलेश ने क्या जुलम करो जो मोदी जी के ये बूझे काम बताओ अपने हैं, जो अपराधी है उन्हें क्यों ना पकड़ रहे तुम लोग, यही तो कहिए। अब उन्हें खेत उखा ले, उन्हें कांग्रेस के राहुल ने जो बाकी सजा भी बंगला भी छीन लो, सजा भी बोलो जरिमाना भी बोलो, उनने क्या गलती की है बताओ क्या गलती। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी विदेश गए और वहाँ पर जाकर अपने देश की बातों को उन्होंने कही गलत तरीके से कही, देश को बदनाम कर रहे हैं, लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए शायद उनका ये जो कुछ भी हुआ उनके साथ हुआ। प्लस उन्होंने एक जाति समुदाय के ऊपर, एक विशेष जाति समुदाय के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की कि सारे जितने भी चोर हैं उनके पीछे मोदी नाम क्यों है, तो इस तरीके से उनको सजा मिली। आपको क्या लगता है कि इस सब मामले में बीजेपी की गलती है कि यही जो अदालत ने जो फैसला सुनाया वो फैसला सही था? अदालत भी उनकी है, मोदी जी की है, पुलिस वाले मोदी जी के ही हैं, सब मोदी जी के ही हैं, जो मोदी कहेगा वाह करेंगे। हम रेप्टो मार दें तो 20,000 रुपया हैं, और जो आपस में कोई किराएदार लड़ पड़े तो 2 आने भी ना, तो हम लग रहे हैं मोदी जी तो। हाँ हाँ चाचा, हमको दो काम कुछ ऐसा बताइए, 2-4 काम जो कांग्रेस के समय में हुआ और वो बीजेपी के समय में आपने उनसे उम्मीद की बीजेपी वालों ने नहीं किया या मोदी जी ने नहीं किया? मोदी जी ने कोई काम नहीं किया पब्लिक के हित को, कांग्रेस ने सबके लिए किया, आपने भी खाया और पब्लिक भी खुशहाल रखी। हम तो कांग्रेस से बढ़िया मानेंगे और सरकार भी दो ही है बीजेपी और कांग्रेस। तो 2024 में आप कुर्सी किसको देंगे, 2024 में फिर से एक बार बीजेपी बैठेगी कुर्सी पे या किसी और को बैठाना चाहेंगे आप? हम तो अब घी की जोत जलाएंगे, ना ही बैठे जनता सुधर जाते सोने में सुहागो। चाचा घी की जोत जलाएंगे अगर बीजेपी फिर से शासन में नहीं आई तो
आप देख सकते हैं यहाँ इस गांव में कितने लोगों के मुद्दे थे। यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि स्कूल नहीं है, कोई स्पोर्ट नहीं है जहाँ बच्चे जाके खेल सकें। सरकार जो वादे करती है इस गांव तक पहुँचती नहीं, लोगों को राशन नहीं मिलते, यहाँ बिजली की हालत बहुत जर्जर है, तार टूटे हुए हैं। कैमरामैन सरताज के साथ मैं सुदीप सिंह, नोएडा।